और डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। यू आर वेलकम। और प्रैक्टिस सेट थर्ड है ये, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर 230 और पार्ट सेकंड में 230 थे, 130 से लेके, और यहाँ पर 130, यहाँ पर 31 से चल रहे हैं यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉवर्टी हार्मोन। 231 का डी होगा, टेस्टोस्टेरोन। द हार्मोन यूज फॉर द सप्रेसिंग एलर्जी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड टिश्यू इन्फ्लेमेशन इज। तो बता रहा कौन सा हार्मोन है जो कि संबंधित है एलर्जी और गठिया से, रिमेटॉइड जिसे कहते हैं, और एथराइट टिश्यू इन्फ्लेमेशन इज। तो 232 का, 232 का यहाँ पर सी होगा ऑप्शन, ग्लूकोकार्टिकोइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय द कैंडल। कैंडल, तो कैंडल ने किसके द्वारा, तो 200 यहाँ पर वही थायरॉक्सिन, कैंडल ने थायरॉक्सिन हार्मोन सर्च किया था। कैंडल का यहाँ पर 33 का भी, हार्ट इज द कैलोसाइटोकाइनिन। तो यहाँ पर होगा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, 234 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉर्टिल मैच ए हार्मोन विथ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशेंसी। पैराथार्मोन बता रहा है डिटेन ही होता है, इंसुलिन से डायबिटीज होता है, बताओ इंसिपिडस, और रिलैक्सिन के जेटिन होता है यहाँ पर, और प्रोटीन थे, और यहाँ पर किटनीजम। तो 35 का ऑप्शन है यहाँ पर, 35 का ये होगा पैराथार्मोन, जो कि टिटेन ही है, पैराथार्मोन की कमी से टिटेन ही होती है। इंस्टीट्यूशन फॉर फेयर, इंस्टीट्यूशंस ऑफ फेयर देर इंक्रीज इन दिस हार्मोन इन द ब्लड। तो यहाँ पर होगा एंडीनलिन, 236 का डी। डायबिटीज मेलिटस मीन्स, तो इंक्रीज ऑफ यहाँ पर ब्लड शुगर इन, और यहाँ पर इंक्रीज ऑफ शुगर इन, दोनों होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रैक्टिस सेट पहले में भी था यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ए और बी, तो यहाँ पर डी दिखा रहा है, डिक्रीज इनक्रीज शुगर इन यूरिन, यहाँ पर बी ऑप्शन था, 237 का बी। और यहाँ पर बी सी बता रहा है, बी सी इंक्रीज ऑफ शुगर और इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड यूरिन, तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत ए बी तो बी सी यहाँ पर। द सोर्स ऑफ सोमैटो स्टेन इन सेम दैट ऑफ, तो द सोर्स ऑफ सोमैटो स्टेन इन सेम दैट ऑफ, सोमैटो स्टेन किन की तरह होता है, 138 का यहाँ पर होगा बी, इंसुलिन एंड ग्लूकोगन। तो सोमैटो स्टेन जो है इंसुलिन और ग्लूकोगन की तरह होता है, 100 इंसुलिन यहाँ पर बीटा सेल से और ग्लूकोगन अल्फा सेल से स्त्रावित होता है, और सोमैटोसिन यहाँ पर एक सेल है जो कि स्त्रावित करता है गामा सेल के द्वारा। और मैच ऑफ द सेल्स गिवन अंडर द कॉलम फर्स्ट विद द नेम ऑफ ऑर्गन्स या पार्ट्स इन विच दे अकर गिविन इन द कॉलम सेकंड, चूज द आंसर। तो 239 का, 239
तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा QPST, 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 तो यहाँ पर मिलान करना है तो QPST है आंसर यहाँ पर। बैन कपर सेल, तो इसका होगा क्यू, बैन कपर सेल जो है लीवर सिनुसॉइड में पाई जाती है। और यहाँ पर बीटा सेल्स है जो कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की है। और ब्रश बॉर्डर आए हैं यहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर टूल में पेनिर सेल पाई जाती है स्मॉल स्टेंटाइन में, तो ऑप्शन डी था वहाँ पर। ऑप्शन डी है इसके हिसाब से यहाँ पर। पर्सन पासेस मच यूरिन एंड ड्रिंक मच वाटर बट दिस ब्लड ग्लूकोज इज नॉर्मल दिस कंडीशन में भी द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पर होगा हाइपोसक्रेशन ऑफ या फिर रिड्यूस सक्रेशन ऑफ। यहाँ पर पहला ही होगा हाइपोसक्रेशन या रिड्यूसन बेस ऑफ प्रेसिन सक्रीन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ऑप्शन 1, 2, 3 का पहला ही होगा। यहाँ पर रिडक्शन की जगह हाइपो सेक्रेशन भी लिख सकता है, इसका मतलब एक भी है। हाइपोसक्रेशन और रिडक्शन एक दोनों मतलब एक ही होता है, और हाइपोसक्रेशन मतलब ज़्यादा होता है। द कैल्शियम लेवल इन ओवर ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, तो पैराथार्मोन के द्वारा कैल्शियम जो है रेगुलेट किया जाता है। 41 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोसराइन ग्लैंड ग्लैंड इज नॉट पेरिड, तो पेरिड कौन सी नहीं है, यहाँ पर जोड़े में नहीं पाई जाती। तो 42 का बी होगा पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई जोड़ा नहीं होता है। इन फीमेल द हार्मोन इनहिबिन द सीक्रेटरी बाई, और 243 का बी होगा यहाँ पर ग्लूनोसा सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो पेप्टिडाइड हार्मोन, 244 का बी है यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन न्यूरो पेप्टाइड हार्मोन। द डिसीज इन अडल्ट ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, द डिसीज इन अडल्ट ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज, 245 का ए होगा एक्सोथैलेमिक गोइटर। हाइपर एक्टिविटी मतलब कम सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड का, हाइपो मतलब ज़्यादा होता है। केमिकल हार्मोन्स आर, तो केमिकली जो हार्मोन है किस तरीके का होते हैं, प्रोटीन स्टेरॉइड एंड बायोजेनिक एमीन्स, तो केमिकली हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड तो क्या है वो, तो यहाँ पर हार्मोन्स जो हैं एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, तो 246 का डी होगा यहाँ पर प्रोटीन स्टेरॉइड एंड बायोजेनिक एमीन्स, एंजाइम इतने तरह का होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं केवल। हार्मोन की बात करें तो प्रोटीन स्टेरॉइड एंड बायोजेनिक एमीन्स, 246 का डी। ड्यूडोनम हैज करेक्टरिस्टिक्स वोनरस ग्लैंड विच सीक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड, 247 का यहाँ पर सी होगा सीक्रेटिन एंड कैलोसाइटोकाइनिन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, उनमें से कौन सा प्लेसेंटा नहीं जो है वो सिक्रेट करता है, 48 का ये होगा प्रोलैक्टिन जो है नहीं करता है और सारी चीज़ें करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन क्लोरिनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन जो है ये हार्मोन नहीं उत्प्रेरित करता है प्लेसेंटा। विच वन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड, तो इपिनेफ्रिन ऑप्शन बी होगा 49 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच ए हार्मोन विद द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी, क्या ये दोहर चुका है क्या? क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है। तो ढाई नहीं होगा, 250 का यह होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फेलर ऑफ ओवुलेशन, ये सही है इसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है फेलर ऑफ ओवुलेशन। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। द हार्मोन दैट हेल्प इन ओवुलेशन और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, द हार्मोन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, तो इसका काम करता है इंसुलिन तोड़ता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाता है, तो इंसुलिन 51 का यहाँ पर ये हो जाएगा। ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड, तो यहाँ पर 250 का 252 का सी होगा, नॉरपिनेफ्रिन यहाँ पर स्टेटमेंट है। डायबिटीज इंसिपिडस मार्क्ड बाय द एक्सेसिव यूरिनेशन एंड टू मच थ्रस्ट ऑफ वाटर, सही है। एंटी डायबिटिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ऑफ द लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, वो 53 का बी है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। द लार्जेस्ट एंडोसराइन ग्लैंड इज बॉडी, तो सबसे बड़ी एंडोसराइन ग्लैंड कौन सी है? 54 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर मैच करना है फर्स्ट सेकंड, तो 55 का यहाँ पर मैच करना है। तो इसका यहाँ पर मैच करेंगे तो हम जो यहाँ पर बी सेल जो है इंसुलिन, बीटा सेल जो है इंसुलिन उत्प्रेरित करती हैं, और यहाँ पर मार्ट सेल जो हैं हिस्टामिन सेक्रेट करती हैं, और पेनिस सेल यहाँ पर लाइसोएंजाइम सेक्रेट करती हैं। और एनिकर सेल यहाँ पर
सीनर सेल्स जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करती, तो ऑप्शन सी सही होगा। वह सिंथेटिक था टेस्टोस्टेरोन बाय द लेडिंग सेल्स स्टिमुलेट बाई 256 का डी होगा यहाँ पर, ICSH। चित्र के ये तो देखकर आंसर देना है, नीट का क्वेश्चन है ये, 257 का, 57 का बी सही हुआ यहाँ पर। ए पहला थायराइड, दूसरा थाइमस है, तीसरा एंड्रिनल, चौथा पेनक्रेज पेनक्रियाज है, और सो पांचवा गोनड है। यहाँ पर पहला क्या है, पहला थायराइड है और दूसरा थाइमस है, तीसरा एंड्रिनल है, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है जो कि, और चौथा किडनी है, और पांचवा जो है ओवरी है, फीमेल स्ट्रक्चर है ये, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। प्रोलीफेरेशन प्रोलीफेरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कंट्रोल्ड बाई 258 का, 258 का बी होगा, ऑक्सीटॉक्सिन। दो सौ अट्ठावन का यहाँ पर ई होगा। प्रोजेस्टेरॉन द हाइपो फंक्शंस ऑफ बी सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लेंगर हेंस रिजल्ट इन, हाइपो फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लेंगर हेंस रिजल्ट इन, 259 का यहाँ पर डी होगा। हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज मेलिटस, हाइपर सक्रेशन बी सेल्स ऑफ लाइस, मतलब ज़्यादा सक्रेशन तो ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया पर होगा। हाइपर कैलेमिया एंड डायबिटीज इन मेलिटस, डायबिटीज हो जाएगी मेलिटस, और हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा शुगर बढ़ेगी और ज़्यादा डायबिटीज होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तभी। ऑप्शन डी होगा 59 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज नो कंट्रोल ओवर ग्लूकोजेनेसिस, तो 260 का ऑप्शन यहाँ पर होगा सी, एल्डोस्टेरॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग हारमोन्स हैज नो कंट्रोल ओवर ग्लूकोजेनोसिस, मतलब इंसुलिन भी करता है ग्लूकोजेनोसिस, मतलब जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनोसिस कहते हैं, ग्लूकोगन भी कंट्रोल करता है, कार्टिकोइड भी करता है, मगर एंडो एस्टेरॉन जो कि इलेक्ट्रोलाइट का हार्मोन है जो वाटर रीअब्जॉर्बेशन करता है किडनी में, जो वैसोप्रेसिन की तरह, मगर ये नहीं है कि इंसुलिन के बारे में ग्लूकोज से संबंधित नहीं है, ग्लूकोज से संबंधित यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजन बनना, तो ग्लाइकोजेनेसिस जैसे कहते हैं प्रक्रिया को, ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजन को बनना बनना यहाँ पर होगा ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। सिक्वेंस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग द मेंसुरल साइकिल आर, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा हार्मोन कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, 61 का यहाँ पर होगा, फीमेल स्टिमुलेट हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी सही होगा। ग्लाइकोप्रोटीनाउस हार्मोन इज ग्लाइको प्रोटीन हाउस हारमोन, तो इंसुलिन होगा यहाँ पर, 62 का डी होगा, एरिथ्रो प्रोटीन।
ममेलियन प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय, तो प्रोलैक्टिन किसके द्वारा यहाँ पर सिक्रेट की जाती है, तो यहाँ पर एंडिनो हाइपोफाइसिस। हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसका यहाँ पर होगा प्रोजेस्टेरॉन। 64 का सी, बीच ऑफ द फॉलोइंग फोर सिराउस सीरियस करेक्टली मैच इन द स्रो टारगेट नेचर ऑफ एक्शन, तो 265 का डी होगा यहाँ पर। एरियल न्यूट्रिएटिव फैक्टर और सिनुएटियल नोड जक्स्टा मोलोकुलर इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इन द करेक्टली मैच्ड विद द कंपेनिंग डिस्क्रिप्शंस। 266 का, 266 का भी होगा यहाँ पर। थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग ऑटोट्रॉफी आफ्टर द पुबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, तो यहाँ पर गाउटर भी है, मैक्सिडीमा, क्रिटिनिज्म भी है, एक्रोमेली यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, क्रिटिनिज्म नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी बी 267 का बी जो है एक्रोगेमली नहीं है यहाँ पर, ये ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है। गाउटर यहाँ पर थायराइड से नहीं संबंधित है। ग्रेवेट डिसीज ड्यू टू, तो हाइपर ग्रेवेट डिसीज जो हाइपर सक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो 68 का ए होगा यहाँ पर, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, सक्रेशन या एक्टिविटी एक ही बात होती है। कोजेनाइटल रिमूवल ऑफ थायराइड विल काज बी काज, यहाँ पर बिल काज कॉन्जेटल रिमूव होगा तो थायराइड बिल मिल काज, थायराइड क्या होगा, थायराइड के कारण। और 269 का बी होगा यहाँ पर क्रिटिनिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इज इन अडल्ट काजेज, तो 17 का होगा यहाँ पर मैक्सिडीमा। बिच ग्लैंड स्टोर हार्मोन बिफोर इट सेक्रेशन एंड देन रिलीज इट, कह रहा है कि बिच ग्लैंड जो कौन सी ग्लैंड जो कि स्टोर हार्मोन बिफोर द सेक्रेशन एंड देन रिलीज इट, सेक्रेशन से पहले और रिलीज, तो स्टोर करती है हार्मोन। थायराइड ग्लैंड ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन होगा यहाँ पर। ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 72 का बी होगा यहाँ पर पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन के कम होगा, पैराथार्मोन के द्वारा बढ़ जाएगा। हार्मोन बिच ब्राइंग अबाउट द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इन मैन, हार्मोन कह रहा है कौन सा इनहिबिश करेगा सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन इन मैन, तो एंट्रोकाइनाइज इनहिबिट करेगा यहाँ पर गैस्ट्रिन का, तो यहाँ पर होगा इंट्रोगेस्ट्रोन। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा 73 का।
डैमेज आ थाइमस इन चाइल्ड मै लीड टू, तो थाइमस यहाँ पर जब कम हो जाएगा यहाँ पर तो लॉस ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पर होगा, लॉस ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पर ऑप्शन 74 का, 74 का डी वाला लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ए ग्लैंड विच ग्रेडली एट्रोफाइड एट्रोपाई एट द एज ऑफ 14 से 16 यानी 14 to 16 ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड एज 75 का ई होगा यहाँ पर थाइमस। इफ्स रिसेप्टर मालिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम द लार्जेस्ट ऑर्गन फॉर द ह्यूमन एक्शन हार्मोन एक्शन द टारगेट ऑर्गन विल बी टारगेट ऑर्गन विल बी इफ द रिमूव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन फॉर द हार्मोन एक्शन ऑफ टारगेट ऑर्गन विल, तो 76 का 276 का डी वन नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग ओवुलेशन, कहीं पर है ऑप्शन, तो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं यहाँ पर होगा, ओवा इंफॉर्मेशन इम्प्लीटेशन फर्टिलाइजेशन वहाँ पर भी होगा, 70 का यहाँ पर होगा ओवा फॉर्मेशन। सर्टोरी सेल आर नोरजिंग सेल इन टेस्टिस दे आल्सो सीक्रेट हार्मोन आइडेंटिफाइंटी द सेम सेम यहाँ पर कह रहा है सर्टोरी सेल नोरिंग द सेल टेस्टिस सेल्स इन टेस्टिस दे आल्सो सीक्रेट हार्मोन आइडेंटिफाई द सेम, तो यहाँ पर होगा गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन 78 का बी हुआ इनहिबिन। इनहिबिन जो कि फीमेल का हार्मोन होता है वो 78 का यहाँ पर बी। प्लेसेंटा प्रोड्यूस बिच हार्मोन, तो प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो डी होगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन। द मैंडिएट काज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इन फीमेल इज लार्ज प्लाज्मा सोर्स ऑफ द इमीडिएट काज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवुलेशन इन फीमेल इज द लार्ज प्लाज्मा और फ्रोड इमीडिएट काज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इन फीमेल द लार्ज प्लाज्मा सर्ज आप, इसका मतलब होगा LH। LH के कारण यहाँ पर ओवुलेशन होगा, कार्पस ल्यूटीजियम और ल्यूटीजियम के कारण। बीच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, तो 81 का यहाँ पर ए होगा डी होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन बोथ फीमेल एंड फीमेल बट फंक्शन ओनली इन मेल, कह रहा दोनों में पाया जाता है कि केवल कार्यकारी केवल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है दोनों में पाई जाती है, मगर हार्मोन जो है केवल एक में ही काम करता है। तो इसको है प्रोलैक्टिन। ADH कंट्रोल वाटर परमेबिलिटी ऑफ, तो किसकी यहाँ पर प्रोक्सीमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, 83 का यहाँ पर भी होगा डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स।
लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन ब्लड स्टिमुलेट, तो यहाँ पर होगा FH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, और यहाँ पर होगा रेनिन हार्मोन प्रोडक्शन। एल्ड्रोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाई, तो 285 का ये होगा यहाँ पर जोना ग्लूमर रोलोसा डायबिटीज मिलिटस टेक प्लस ओनली वैन, यहाँ पर होगा बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज इन एक्सेसेस। 86 का डी हुआ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज आर इन हाइपोसक्रेशन, हाइपो मतलब होता है हाइपरसक्रेशन, हाइपोसक्रेशन करता है यहाँ पर ग्लूकोज का। ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज मिलिटस एक्सक्रिएट ग्लूकोज इन यूरिन इवन व्हेन ही कीप्ड इन द कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट इट बिकॉज, तो यहाँ पर 87 तो ए हो जाएगा फैट आर कैटाबोलाइज टू फॉर्म ग्लूकोज। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फेरेट करेक्टली, तो इंसुलिन यहाँ पर राइज ब्लड ग्लूकोज ये जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है, यहाँ पर मेंटली रिटार्ड बता रहा, किडनी मैक्सिडीमा सोलन फेशियल टिश्यू सही है, पैराथर्मोन टिटेनी ये मुझे गलत लग रहा है, गूगल करके देख लें। एनीनो हाइपोफाइसिस, एनीनो हाइपोफाइसिस क्या है यहाँ पर, तो एनीनो हाइपोफाइसिस यहाँ पर मिलान करना है, दो का वो एंडीनो हाइपोफाइसिस होगा सोमेटोट्रोपिन, और एंडीनियन मेडुला यहाँ पर इपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है जो कि प्रोटीन का डेरिवेट होता है, तो एंडीनियन मेडुला को दर बढ़ा देता है रेट ऑफ हार्ट बीट का, तो एंडीनियन मेडुला पर यहाँ पर उत्तेजित करता है ये प्रोटीन। और सी का यहाँ पर होगा सी का पैराथर्मोन का होगा PTH, थाइमस ग्लैंड का होगा यहाँ पर थाइमोसिन, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर सी 89 का सी। यहाँ पर भी मैच करना है, तो 19 का दो 219 का यहाँ पर होगा मिलान करना है, तो सोमेटोट्रोफिन का होगा यहाँ पर जियाटिज्म, और ऑक्सीटॉक्सिन का होगा यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन का है वो जेनरो हाइपोफाइसिस, और थायरॉक्सिन का होगा किडनीज्म यानी सी का तीसरा, सी का यहाँ पर सी का हाँ दूसरा, और विटामिन डी का होगा रिकेट्स, तो ऑप्शन बी सही है।
After the 14 years of age among men, the gland that appears disappears is तो यहाँ पर pineal 251 का सी, 251 का ये होगा यहाँ पर pineal. The function of pineal body is to तो यहाँ पर light taking color. आल आप दो आल आप वो होगा यहाँ पर तो 92 का 292 का डी है. रेगुलेशन ऑफ पीरियड पुबर्टी कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर लाइटिंग द स्किन कलर आल आप वो होगा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा 92 का. यहाँ पर मैच करना है 93 का आंसर. ए डी एच का हुआ यहाँ पर डायबिटीज इंसिप डायबिटीज इंसिपिडस और इंसुलिन का और डायबिटीज मिलिटस. यानी पहले का चौथा और यहाँ पर ए सी टी एच का होगा प्यूटिटरी. और सी का यहाँ पर दूसरा एंडोस्ट्रान एल्डोस्ट्रान मेंटेन मिलर कॉर्टिकोइड जो कि हार्मोन है वो एल्डोस्ट्रान से संबंधित है. और एंडी ननील यहाँ पर होगा बैसियो बैसिलियो डिलेस्टर बैसिलो बैसिली बैसिली लेटर यानी हार्ट की रेट बढ़ाने वाला. तो ऑप्शन सी सही होगा इस किताब से. इंटर सेलुलर इन कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आकार थ्रू और इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आकार थ्रू तो 294 का 294 कड्डी होगा यहाँ पर बहुत नर्वस एंड इंडोसाइट सिस्टम. इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आकर थ्रू तो अंदर ही अंदर जो संपर्क है यहाँ पर नर्वस सिस्टम है इंडोसाइट सिस्टम दोनों के द्वारा होता है इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 95 का यहाँ पर सी सही होगा. इंडोसाइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट द इंडोसाइन ग्लैंड. केमिकल बिच आर सिंथेथित 95 का सी था. केमिकल बिच सिंथेसाइज बाई वन ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्टेड द बिहेवियर ऑफ अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज आर कॉल्ड तो इसे कहते हैं हार्मोन्स. सिंथेसिस एक ऑर्गेनिज्म और इफेक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को तो इसे 96 का और डी होगा फेरोमोन्स. द लोरिन लेवी हेड्रोमी ड्यू टू 97 का यहाँ पर सी होगा डिफिशेंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट ग्रोथ बाय द कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर लेवल 298 का अब भी होगा यहाँ पर mRNA. बिच आप फॉलोइंग एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर न्यूरो हार्मोन्स तो एक्यूमुलेशन बिच आर द फॉलोइंग एक्यूमुलेशन एंड रिलीज द सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स तो यहाँ पर होगा जो कि कंट्रोल करता है एक्यूमुलेशन एंड रिलीज ऑफ सेंटर न्यूरो तो 99 का
99 का सी होगा यहाँ पर, पोटी रिपिटेड लव। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स आर द प्रोड्यूस प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर इन द पोटी रिपिटेटरी। तो यहाँ पर 300 का डी होगा ADH एंड ऑक्सीटॉक्सिन। हार्मोन दैट इनिशिएटेड इंजेक्शन ऑफ मिल्क और स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ ओवरी एंड फॉलिकल आर रिस्पेक्टिवली। 301 का यहाँ पर सी होगा। ओ टी पी आर एल एंड FSH। बायोजेनिक अमाइंस आर सिंथेसिस फ्रॉम। तो 302 का डी होगा यहाँ पर टायरोसिन। टेडपोल ऑफ फ्रॉग कैन बी मेड ग्रो अस जॉइंट साइज टेडपोल इफ दे आर। 303 का यहाँ पर भी होगा एडमिनिस्ट्रेट एंटी थायराइड सबटेन लाइक थ्यूरिया। एग्जोलोटल लार्वा ऑफ अम्बाइस्टोमा नॉर्मली फेल टू द मेटामॉर्फोसिस ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन वाटर लैक ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर पहला ही होगा। 304 का पहला होगा लैक ऑफ आयोडीन इन वाटर। विच इज नॉट सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। एडिमा हुआ राइज ब्लड, यहाँ पर राइज ब्लड मेंटल रिटार्डेशन लेथरेसी। 305 का सी। मैक्सिडिमा इज द डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। 306 का बी। हाइपोथायराइडिज्म इज एडल्ट एंड पैराथार्मोन विल रिस्पेक्टली लीड टू। तो हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट एंड हाइपोथायराइडिज्म विल वी रिस्पेक्टली लीड टू द एडिशन एंड डिसीज एंड क्रिटिनिन। ऑप्शन बी होगा 7 का। तो रिस्पेक्टली यहाँ पर ग्रेव आर डिसीज एंड हास्मिनो ऑफ डिसीज। हाइपोथायरिज्म से ग्रेव आर डिसीज होगा और हाइपोथायरिडिज्म से हास्मीटो एंड डिसीज होगी। ऑप्शन डी होगा रिस्पेक्टली दोनों डिसीज हैं। पैराथॉर्मोन सेक्रिएटेड ड्यूरिंग। 308 का और डी होगा डिस्क्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। स्टेरॉइड हार्मोन्स विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज। स्टेरॉइड हार्मोन रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कार्टिकोइडाइड होगा यहाँ पर। तो 309 का ए होगा कार्टिसोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट द न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर होगा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करता है। कॉर्टिसोइन होगा यहाँ पर ए होगा 210 का। 310 का यहाँ पर ए होगा कॉर्टिसोन। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द एडिशन डिसीज इज। तो यहाँ पर होगा थायराइड। 311 का सी होगा इंडिनल कॉर्टेक्स।
ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पर होगा स्टेरॉइड हार्मोन, यहाँ ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑप्शन सी होगा 312 का। एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इंडिपेंडेंट ऑफ रेनिन एंटी एंजियोटेनिसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रिजल्ट इन 313 का बी होगा यहाँ पर कॉन्स एंड सिंड्रोम। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं कौन सा सही है, 314 का यहाँ पर होगा ए ऑप्शन सही। ओवर बॉडी सेक्रेट एडिनलिन इन हीट एंड कोल्ड सही है, और दूसरा का एडिनलिन राइज मेटाबॉलिज्म रेट सही है जो भी, तो ऑप्शन है यहाँ पर ए एंड बी, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एडिनलिन एंड नॉन एडिनलिन आर द हार्मोन्स एक्टर्स, तो एडिनलिन और नॉन एडिनलिन यहाँ पर दोनों हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं। 315 का ये होगा यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर। विच हार्मोन काज द डिलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस, 316 का डी होगा यहाँ पर नॉन ऑफ दी वो एडिनलिन। 317 का यहाँ पर बी होगा एडिनलिन होगा यहाँ पर ऑक्सीजन कंसप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस बढ़ाता है। सत्तर क्या करे नॉरफ्रीन नॉन नॉरफ्रीन विच इज फंक्शन ऑफ नॉर नॉरफ्रीन, तो 317 का बी होगा यहाँ पर इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एक्रोमेग्लीज कार्ड बाई, तो यहाँ पर होगा एक्सेस ऑफ थायराइड, तो बी होगा यहाँ पर 18 का। एक्सेस ऑफ यहाँ पर पहला होगा यहाँ पर थायराइड हार्मोन की अधिकता से होता है एक्सेस ऑफ TSH इट्यूमिलेटरी थायराइड हार्मोन। 18 का ये बीच बना द फॉलोइंग दूसरा ग्लैंड फंक्शन से बायोलॉजिकल क्लॉक एंड न्यूरो सेक्रेटरी ट्रांसड्यूसर, तो 319 का ये होगा यहाँ पर पीनियल ग्लैंड। मामालियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विद, तो मामालियन थाइमस से किससे संबंधित है, वो तो है यहाँ पर इम्यूनोग्लोजी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड अट्रोपाइंस इन एडल्ट, तो अट्रोपाइन एडल्ट में कौन सी है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, 321 का बी होगा यहाँ पर थाइमस। द इफेक्ट काज बाय द नॉन फंक्शनल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो यहाँ पर होगा हाइपर ग्लासीमिया। तीन सौ बाईस का बी जो लैंगर ऑफ आइसोलेट जो है इंसुलिन उत्प्रावित करती है अल्फा बीटा सेल की, तो इसके अगर नहीं उत्प्रावित होंगे तो काम नहीं करेंगी, तो यहाँ पर हाइपर कैल्शियम ग्लाइसीमिया मतलब हाइपर ग्लूकोज ज़्यादा ग्लूकोज बनना।
कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कितनी परसेंट होती है? 323 का यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर 0.1% नॉर्मल यहाँ पर होती, 0.1% 23 का ये, 23 का सी। इन द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल विच ऑर्गन्स फंक्शन रेस्पेक्टली एज द मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर आइसोलेट ऑफ लैंगरस एंड हाइपोथैलेमस। कह रहा है इन द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल विच फंक्शन रेस्पेक्टली मॉड्यूलेटर एंड इफेक्टर। 324 का डी होगा यहाँ पर, 324 का डी, हाइपोथैलेमस आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। जो कि ये मॉड्यूलेटर है ब्लड शुगर लेवल का मॉड्यूलेटर, और इस मतलब क्रम में बता रहा है फंक्शन रिस्पेक्टली एज द मॉड्यूलेटर इफेक्टर, तो मॉड्यूलेटर हाइपोथैलेमस है और इफेक्टर है यहाँ पर आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, तो दोनों का क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिन सेक्रेशन, तो इंट्रोगेस्ट्रिन यहाँ पर 325 का डी, तो 325 का ए है यहाँ पर गेस्ट्रिन। वो यहाँ पर कह रहा है बेचा द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द गेस्ट्रिन सेक्रेशन, तो गेस्ट्रिन होगा यहाँ पर, इंट्रोगेस्टिन तो कंट्रोल करता है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टिमुलेट तो गेस्टिन करता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है फिलहाल, गूगल करके देखने, मुझे डी लग रहा है ऑप्शन। कह रहा है बिचा तो फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द गेस्टिन सेक्रेशन, तो इंट्रोगेस्ट्रिन होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, गलत लग रहा है मुझे, गेस्ट्रिन को गेस्ट्रिन कैसे करेगा, इंट्रोगेस्ट्रिन करेगा। और सर्टोली सेल्स आर द रिलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नाउन एज, सर्टोली सेल आर रिलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नाउन एज द, तो उसे कहते हैं LH। 326 का सी होगा, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। द हार्मोन दैट प्रिपेयर एंड मेंटेन द यूटरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज सेक्रेटेड बाय, तो यहाँ पर होगा कॉर्पस ल्यूटीनियम। द नेम ऑफ हारमोन्स विच स्टिमुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ब्रेस्ट ऑफ लोकेशन, ब्रेथ फॉर लैक्टेशन, तो यहाँ पर होगा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। 328 का डी, हार्मोन्स हैव फॉलिकल फॉलोइंग फीचर्स, कौन कौन से यहाँ पर हार्मोन्स फीचर रखते हैं, 29 का यहाँ पर, 29 का डी होगा, ऑल ऑफ दी यहाँ पर एंडोनो और एंडिनोफाइसिड प्रोड्यूस द गोनोट्रोपिन, सही है। बैसिडियस सेक्स सेल्स हार्मोन आर द आल्सो प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस एंड ओवरी, सही है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय द लेडिंग सेल, सही है। एस्ट्रोजन इज द प्रोड्यूस बाय ओवरी, तो सही है, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर,
सारे सही है। 29 का डी, इन हार्ट सेल्स बीच बन सर्विस अ सेकेंड मैसेंजर स्पीडिंग अप द मस्कल सेल कंट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू द एड्रेनालिन। तो यहाँ पर CAMP, साइक्लिक AMP, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 330 का यहाँ पर सी ऑप्शन, वो ऑप्शन डी है, और यहाँ पर विकल्प डी सही है। बेसिडर CAMP बिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब CAMP के अलावा और कौन से हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो 231 का, 331 का सी होगा। यहाँ पर कैल्शियम डबल पॉजिटिव भी सेकेंडरी मैसेंजर है, और यहाँ पर CAMP भी सेकेंडरी मैसेंजर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। 332 का, 332 का डी होगा। यहाँ पर सोडियम, CAMP है यहाँ पर, GMP भी और कैल्शियम भी है, मगर ये नहीं है, तो सोडियम नहीं है, तो सोडियम ऑप्शन है यहाँ पर, सोडियम सही होगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ हार्मोनल एक्शन इफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन्स वेन द टारगेट विल बी कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड विद हार्मोन, बट अपोजिट भी कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड हार्मोन विदाउट एनी डिफरेंस कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड हार्मोन बट रिक्वायर हायर कंसेंट्रेशन नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। ऑप्शन डी सही होगा। 333 का, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा अगर रिसेप्टर साइट से उसे हटा दिया जाए, तो मॉलिक्यूल को, रिसेप्टर मॉलिक्यूल को हटा दिया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा। हाँ, स्टेरॉइड हार्मोन ट्रांसमिट हर देर इंफॉर्मेशन भाई। 334 का सी होगा। यहाँ पर इंटरिंग इनटू द सेल एंड मॉडिफाई द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैच करना है। तीन सौ पच्चीस 35 का यहाँ पर ए सही होगा ऑप्शन, यहाँ पर होगा हाइपोथैलेमस का गोनाडोट्रोपिन। हाइपोथैलेमस का गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। तीन सौ पैंतीस तो यहाँ पर पहले का चौथा होगा, और यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी का होगा, यहाँ पर FSH एंड LH स्त्रावित करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और टेटीज यहाँ पर होता है टेटीज यानी तीसरा, तीसरे का यहाँ पर एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन से स्रावित करता है। ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन। तो डी का पी होगा, यहाँ पर डी का क्यू, ओवरी एस्ट्रोजन का प्रतापित करती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर भी मैच करना है, तो इसका भी मैच करना है। तो FSH यहाँ पर होगा मैच्योर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन जो है मैच्योर करता है ग्राफीन फॉलिकल को, और LH जो है LH का डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तीन सौ छत्तीस कब भी यहाँ पर
मैं यहाँ पर पहले का पांचवा होगा और चौथे का दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला और चौथे का यहाँ पर होगा दूसरा। तो ऑप्शन यहाँ पर दो सही है। प्रोस्टोग्लैंडिन, आर प्रोस्टोग्लैंडिन क्या है? ओ 337 का यहाँ पर बी होगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो हमारे चैनल पर नए हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। ये पार्ट थ्री था, यानी पार्ट थर्ड था, और पार्ट फोर्थ और आएगा इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन से।